सो गाइस आज अपने पास TVS Raider 125 जो कि सेगमेंट किंग कही जाने वाली गाड़ी है, एंड आज अपने पास है पर्पल कलर की जो कि 125 cc में रेडर का नाम बोलने से भाई बहुत ही फेमस गाड़ी है। तो चलो इसकी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। थैंक्स टू PR TVS जो कि हम लोग के प्रोडक्ट रिव्यू करने का मौका दिया। अगर आपको TVS का कोई प्रोडक्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट सेटअप से। इसमें आपको मिल जाता है फुल्ली LED हेडलैम्प सेटअप जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, एंड इसकी नाइट विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको कहीं भी लॉन्ग टूर्स मार रहे हैं नाइट में तो आप इजीली मार सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा लाइट्स के। टर्न सिग्नल्स हैलोजन ही मिल जाते हैं, अगर LED होता तो थोड़ा सा बेटर होता, पर इसके भी विजिबिलिटी नाइट में काफ़ी अच्छी है। एंड इसमें आपको जो फ्यूल टैंक देखने को मिलता है 10 लीटर्स का मिलता है विथ E20 टेक्नोलॉजी, एंड आपको ऐसा देख के नहीं लगेगा कि कुछ छोटी मोटी बाइक है, बहुत ही मस्कुलर टैंक इसको देखने को लुक मिल जाता है। आपको मिल जाता है स्प्लिट सीट जो कि रियर का काफ़ी अच्छा कुशनिंग है, एंड इसमें आपको बहुत बड़े बड़े ग्रैब रेस देखने को मिल जाते हैं जो कि पिलियन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एंड इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल प्लस एयर कूल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 11.2 bhp, एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11.2 Nm का, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा भी नहीं है ना कम है, लेकिन FZ के कंपैरिजन में 8 Nm थोड़ा सा कम है, लेकिन पावर में भाई नो डाउट बहुत अच्छी है पावर गाड़ी विथ माइलेज के साथ, काफ़ी अच्छी माइलेज इसमें आपको देखने को मिलती है। तो आप इसको डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो अगर आप माइलेज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, एंड आप अगर टूरिंग वूरिंग में भी देख रहे हो छोटा मोटा कम्यूटर बाइक, तो आपके लिए डेफिनेटली इंजन बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। अंडर बेली भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो कि पर्पल कलर में काफ़ी अच्छे लुक्स लगते हैं, जो कि बिगर RTR से लिया गया ऐसा लगता है। एंड इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है नेगेटिव डिस्प्ले जो कि बेस्ट इन सेगमेंट लुक में आता है, एंड इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मिल जाता है रेंज, एंड आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिल जाता है, एंड ट्रिप ए ट्रिप भी मिल जाता है आपको। तो इतना फीचर्स आपको मिल जाता है। एंड इसका अगर टॉप मॉडल लेते हैं आप अगर, इसमें आपको फुल्ली TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एंड आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ टॉप स्पीड का मिल जाता है, RPM साइड स्टैंड का भी दिखाता है यहाँ पे लोगों, एंड आपको टाइम देखने को मिल जाते हैं, बाकी यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है जो कि आपको कितना रेंज चली है। तो ऐसा कुछ इसका फीचर्स, एंड इसमें आपको मिल जाते हैं 2 राइडिंग मोड्स जो कि इको एंड पावर मोड के नाम से जाने। अब आ जाते हैं ब्रेकिंग के ऊपर। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको ब्रेकिंग मिल जाता है, एक आपको डिस्क वाला मिल जाता है, एंड आपको दोनों फ्रंट एंड रियर में ड्रम ब्रेक का सिस्टम मिल जाता है। तो 240 mm का डिस्क विथ नो ABS जो कि TVS के ही कैलिपर्स एंड ब्रेकिंग सिस्टम है, तो ये काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। इसमें आपको रियर में नो डिस्क मिल जाता है, आपको सिर्फ ड्रम का ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइस अब इसके एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर सीधा राइड रिव्यू करते हैं। जो कि आपको सिंगल सेल्फ मिल जाता है विथ नो सेल्फ साउंड के साथ, तो आपको आइडल में कुछ ऐसा मिल जाता है, तो ऐसा कुछ था इसका एग्जॉस्ट साउंड। कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताना, एंड अब चलते हैं सीधा राइड रिव्यू में, एंड राइड रिव्यू में देखते हैं कि गाड़ी चलाने में कैसी है। तो चलो चलते हैं। ऑलराइट जी, तो हम लोग को रेडर मिल चुका है, एंड यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं राइड रिव्यू। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा है इसका आपको देखने को मिल जाता है। तो अब चलते हैं राइड करते करते बातें करते हैं। सो गाइस इनिशियल की बात करें तो इनिशियल में काफ़ी अच्छा आपको पुल मिल जाता है देखने को, एंड इसमें आप लोग को 2 राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, एक इको है और एक आपको क्या मिल जाता है पावर मोड, जो कि पावर मोड में थोड़ा सा आप लोग को डेफिनेटली पावर ज़्यादा फील होने वाला है, बाकी इको मोड आपके सिटी के लिए बेस्ट है और काफ़ी अच्छा माइलेज भी देगा। एंड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो ऑलरेडी पता चल गई होगी कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। बाकी वाइब्रेशंस की बात करूँ तो हम लोग एकदम हाई RPM पे भी नहीं चल रहे, 4-5 हज़ार RPM पे चल रहे, तो वाइब्रेशन अस सच बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, ना टैंक में ना फुटपैक पे, कहीं पे भी वाइब्रेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही गाड़ी में। एंड हैंडलिंग वगैरह की बात करूँ तो सिटी के हिसाब से तो हैंडलिंग डेफिनेटली आगे, अभी मिरर्स है तो थोड़ा सा हैवी लग रहा है, पर कम्यूटर बाइक से काफ़ी अच्छा स्पोर्टी हैंडलिंग आप लोग को देखने को मिल जाता है। एंड सीट हाइट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, मेरी हाइट लगभग 6 फुट है तो मुझे तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड भाई ब्रेकिंग तो एकदम लाजवाब है रियर की, क्योंकि इसमें CVS आता है आपको स्टॉक में, तो पीछे का ब्रेक मार रहा हूँ तो भाई आगे का CVS बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। एंड आपको इसमें मिल जाता है सिंगल डिस्क विथ नो ABS
तो ब्रेकिंग वगैरह की बात हम लोग आगे करेंगे कि कैसा है, रुक के एक बार स्पीड में थोड़ा सा देखेंगे। बाकी सिटी में सच कोई इशू नहीं है चलाने में, बिल्कुल भी लैगी या जर्की फील नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छे से गाड़ी चल रही है, तो ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है आपको इस गाड़ी के लिए। बाकी मेरे पास भी ऑलरेडी NS125 है, तो आप लोग जानते हो अगर पहले से चैनल पे जुड़े हो तो, मैं भी उसको ओन करके लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, तो सच थोड़ा सा इससे बेटर नहीं हो सिटी के मामले में, थोड़ा सा उसको ज़्यादा RPM पे रखना पड़ता है क्योंकि पुल के लिए। इसको आपको इनिशियल में काफ़ी ज़्यादा पावर देखने को मिल रहा था, भाई बहुत अच्छा पुल है। यहाँ से देखो अभी हम 5th गियर में आराम से गाड़ी एकदम पुल कर ले रही है, नो प्रॉब्लम। बाकी हाईवे वगैरह की माइलेज वगैरह की बात करते हैं, तो माइलेज इसमें आपको सिटी में अराउंड 40-50 इजीली मिल जाएगा, हाईवे पे 50-60 मेरे अकॉर्डिंग क्लेम करती है कंपनी तो मिल जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको 60 km/h आराम से क्लेम करवा चुके हैं माइलेज टेस्ट वीडियो में, तो माइलेज आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर आप NS125 देख रहे हैं तो इस माइलेज के हिसाब से देखोगे कंसिडर करना, तो इसको आप कंसिडर करो, ज़्यादा बेटर है, आप बहुत अच्छी फील करोगे। एंड बाकी सस्पेंशन की बात करें गाइस, तो सस्पेंशन इसकी डेफिनेटली यार बहुत अच्छी है, सॉफ्टर साइड पे रियर सस्पेंशन, फ्रंट का थोड़ा सा स्टीप है, पर अभी हम लोग कॉन्क्रीट रोड में चल रहे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा जर्क है, तो सच बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है ज़्यादा जर्क, क्योंकि रियर सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है, बहुत अच्छा। और आप लोगों को लॉन्ग टूर के लिए भाई डेफिनेटली बहुत ही प्लस पॉइंट इसमें रहने वाला है, इतनी अच्छी प्यारी सी सस्पेंशन है बाइक की, एंड हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। की नेगेटिव डिस्प्ले आपको फर्स्ट इन सेगमेंट देखने को मिलती है, जो कि भाई बहुत ही लाजवाब है। गाइस अभी 50 के स्पीड में रियर का ब्रेक मारकर टेस्ट करते हैं, तो अब मारते हैं रियर का ब्रेक, तो रियर का ब्रेक काफ़ी अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको अगर पुश कर दोगे तो डेफिनेटली ब्रेक लॉक हो जाएगा रियर का, एंड आप फर्स्ट का। अब फ्रंट ब्रेक ट्राई करते हैं कि कैसा है 50 के स्पीड पे, तो फ्रंट ब्रेक रियर से बेटर है क्योंकि आपको इसमें डिस्क मिल जाता है विथ नो BS, लेकिन एक चीज़ है थोड़ा सा लैगी है, NS का ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छा है कंपेयर करें तो, पर ठीक है आपको बहुत अच्छी रियर की ब्रेकिंग मिल जाती है NS के कंपैरिजन में। NS में आपको इतना अच्छा ब्रेक नहीं मिलता रियर का, जो कि इसमें आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। सो गाइस टायर्स की बात करें तो अभी छोटा सा कॉर्नरिंग हो रहा है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं TVS के टायर्स, जो कि अच्छी बात है काफ़ी। एंड आप लोग को लॉन्ग टूर्स में हो गया, ऑफ रोडिंग पे हो गए, चाहे आप थोड़े स्पीड्स में कॉर्नर्स पे क्रूज करना चाहो तो ईजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस देगी ये गाड़ी। एंड स्टेबिलिटी की बोलूँ तो स्टेबिलिटी में थोड़ा सा बेटर NS है, यहाँ पे स्टेबिलिटी में थोड़ा सा मार खा जाती है, क्योंकि कॉन्क्रीट रोड्स में हम ऑलरेडी चला चुके अपनी गाड़ी, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई थोड़ा सा स्टेबिलिटी के मामले में मार खाई गई रेडर, बाकी ऐसा सच कोई इशू नहीं है, बहुत प्यारी गाड़ी है। मिरर की बात करें तो इसकी रियर व्यू की मिरर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है मिरर्स के, एंड रियर व्यू जो दे रहा है आपको बहुत ही अच्छा सॉलिड व्यू दे रहा है, तो एक तरफ से देखा जाते हैं भी बहुत अच्छी है। बाकी एक चीज़ की प्रॉब्लम इसमें किल स्विच कुछ नहीं मिलता आपको, यहाँ पे आपको मिल जाता है राइडिंग मोड की, जो कि यहाँ पे आपको किल स्विच देता तो थोड़ा सा बेटर होता, क्योंकि किल स्विच की बहुत लोगों की आदत हो गई होती है। तो अब आते सीधा वर्डिक्ट पे कि आपको ये गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब लास्ट में वर्डिक्ट देने का कि आप लोग को ये गाड़ी किसको कंसिडर करनी चाहिए और किसको नहीं खरीदनी चाहिए। इसी स्पोर्टी लुक कम्यूटर टाइप की बाइक चाहिए, एंड अच्छी माइलेज चाहिए विथ नो वाइब्रेशन, अच्छी इंजन के साथ एंड इंडियन ब्रांड के साथ, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो NS के कंपेरिजन में एंड साइन SP के कंपेरिजन में, क्योंकि ये सेगमेंट वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है एंड आपको बहुत अच्छा माइलेज भी देगी एंड कभी दिक्कत नहीं करेगी, एंड TVS अपना इंडिया भरोसा इतना ज़्यादा TVS पे, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। एंड इसकी आपको सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो आप कभी परेशान नहीं होगे सर्विस को लेके। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसी वीडियोज़ के साथ प्यार बरसाते रहना। तब तक के लिए राइड सेफ, एन्जॉय, बाय बाय।